नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज के ताज़ा समाचार, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन की। दोस्तों आपको बता दें कि आज के मुख्य समाचारों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अब आप बिल्कुल फ्री में कॉल कर पाएंगे, वो भी बिना रिचार्ज के। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से तथा कुछ भी गिरवी बिना रखे हुए 50,000 से लेकर 10 लाख रुपये तक का आप लोन बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आज हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखते रहिए। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर अपडेट है। ट्रू कॉलर में आया है बड़ा फीचर, अब फ्री में कर सकेंगे आप दिल खोलकर बातें। जी हाँ दोस्तों, नंबर ट्रैकिंग ऐप ट्रू कॉलर ने आखिरकार वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉलिंग की सुविधा अपने ग्राहकों को दे दी है। ट्रू कॉलर ने कॉलिंग फीचर का जो नाम है वो ट्रू कॉलर वॉइस कॉल रखा है। इसकी मदद से आप जो है फ्री में वॉइस कॉल कर सकेंगे। हालांकि ट्रू कॉलर का यह फीचर फिलहाल सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए ही जारी किया गया है। उम्मीद है कि जल्दी इसे आईफोन के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। यूजर्स को अब ऐप में एक अलग से बटन जिसकी मदद से आप जो है फ्री में कॉल कर पाएंगे, वो भी आपको कोई भी पैसा, कोई भी रिचार्ज इसके लिए आपको नहीं करवाना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने से दिल्ली सराफा बाजार में चमके हैं सोना और चांदी। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं में रही तेजी के बल पर दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 100 रुपये की बढ़त के साथ ही 33,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 130 रुपये चमक कर 38,220 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है मोदी सरकार ने, 8वीं पास की अनिवार्यता हटाई है। जी हाँ दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नियमों में बदलाव के संबंध में मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर रिन्यू करवाने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पहले कुछ राज्यों में भारत के ऐसा था कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, वरना आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं बना कर दिया जाएगा या फिर रिन्यू नहीं करके दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने ऐसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो है प्रमाण पत्र जो है नहीं दिखाना पड़ेगा कि आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाएंगे तब। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। कमाई के मामले में टॉप 20 फिल्मों में भारत की एंट्री है। सलमान खान की 6 फिल्में लिस्ट में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ अली अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म भारत के कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। सलमान खान कैटरीना कैफ स्टारर भारत 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। और यही नहीं है, फिल्म भारत ने कमाई के मामले में टॉप 20 फिल्मों में जगह बना ली है। और अभी सलमान कैटरीना की यह फिल्म 199.30 करोड़ रुपए कमा चुकी है। खास बात यह है कि टॉप 20 फिल्मों में से सलमान खान की 6 फिल्में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। तथा प्रॉपर्टी गिरवी रखे बिना मिलेगा 50 लाख रुपए तक का कर्ज, मुद्रा स्कीम में हो सकता है प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के और स्वरोजगार के लिए सरकार जो है 5 जुलाई को पेश होने वाले तथा बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके तहत नए उद्यमियों को बिना गारंटी के 50 लाख रुपए तक का कर्ज सरकार मुहैया करवा सकती है। और एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तथा सरकार ने उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक का ऋण जो देने की योजना जो है वो शुरू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो तो आप बिल्कुल 50 लाख रुपए तक का जो लोन है सरकार से ले सकते हैं। आपको के लिए कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डॉक्यूमेंट गिरवी नहीं रखने होंगे और आप अपना जो है कारोबार इसमें कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से सुविधा और बहुत ही आसान आपको ये लोन जो है सरकार देने वाली है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। क्रूड ऑयल में उछाल के बाद भी नहीं बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने क्या है आज के दाम। जी हाँ दोस्तों, तथा स्टॉक मार्केट के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में भी राहत देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले दिनों कच्चे तेल के भाव में नरमी रहने के कारण भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने इस महीने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं किया, मगर कच्चे तेल के दामों में फिर तेजी लौटी है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना बताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। दोस्तों आप चारों महानगरों के पेट्रोल और डीजल के भाव आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो रोककर देख सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। रोज बचाएं 200 रुपये और 20 साल में बन जाएंगे 46 लाख रुपए, होगा 31 लाख रुपए का फायदा। जी हाँ दोस्तों, तथा आमतौर पर 30 साल की उम्र होते होते बहुत से लोग इस स्थिति में आ जाते हैं कि रोज 150 से 200 रुपए की बचत कर सके। हालांकि ज़्यादातर लोग छोटे मोटे बजट पर ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि 100-200 रुपए की बचत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा आपको बेनिफिट जो है वो हो सकता है। यदि आप 200 रुपए की बचत करते हैं तो 20 साल में आपको एक मुश्त राशि यानी 45 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप 200 रुपए
रुपये के बिजनेस यहाँ पर शुरुआत करके अगर आप 200 रुपये रोजाना के लिहाज से अपनी बचत करते हैं तो पूरे महीने में आपको 6000 हो जाएंगे। इस लिहाज से एक साल में आपके 72000 रुपये हो जाएंगे। अगर आप ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो 20 सालों की बचत मूलधन आपको 14.40 लाख रुपये जो आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों आप पूरी डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपको धनराशि जो है आपकी बढ़ जाएगी और कैसे आपको छोटी सी बचत से बड़ा अमाउंट मिल सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, जीएसटी दर घटाने पर हो सकता है विचार। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी परिषद की बैठक 21 जून को होने जा रही है और केंद्र में नई मोदी सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक होगी। बैठक के कुछ समय बाद ही सरकार संसद में बजट पेश करेगी, इसीलिए जीएसटी काउंसिल की इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है। सरकार इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लेगी। बताया जा रहा है कि सरकार इसमें 18% के स्लैब में आने वाले सामान और सेवाओं को कम कर देगी। जी हाँ दोस्तों, 18% के स्लैब में जितने भी सामान आते हैं उन पर जो है वो स्लैब घटा देगी, जिससे कि आम लोगों को राहत मिलेगी और काफ़ी सामानों पर हमें जो है अब कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है टैक्स घटाने की सोच रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। रेनॉल्ट ने लॉन्च किया भारत की पहली AI बाइक RV 400, मोबाइल फोन से होगी स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और रेनॉल्ट के संस्थापक राहुल शर्मा ने भारत में पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दिया। यह बाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से लैस और इसको आप अपने मोबाइल फोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक में किक स्टार्ट और सेल्फ दोनों की सुविधा होगी और यह बाइक पेट्रोल से नहीं बल्कि बैटरी से चलेगी और भारत में यह पहली बाइक होगी जो मोबाइल फोन से स्टार्ट होगी। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में तथा माई रेनॉल्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। माई रेनॉल्ट ऐप आप गूगल प्ले स्टोर के जरिए जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप की से आप बाइक की लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसमें बैटरी में कितनी आपकी चार्ज बचा हुआ ये भी पता कर सकते हैं। आप ऐप की मदद से सारे काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। मानसून पूर्वानुमान, क्या मानसून में देरी से होगा कम बारिश, क्या कहता है पिछले रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, मानसून उत्तर भारत को अपनी सामान्य रफ्तार से मुकाबले काफी धीमी गति से बढ़ रहा। हालांकि मौसम विभाग ने 2019 के दौरान औसत बारिश होने की उम्मीद जताई थी, इसलिए माना जा रहा है कि थोड़ी देरी के बावजूद भी पैदावार और पानी के अन्य जरूरतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और जून महीने में मानसून की बारिश अभी तक सामान्य के मुकाबले 44% कम रही है। इसके चलते देश के कई हिस्सों में फसल की बुआई में देरी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश कम हुई है तो इसका असर उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के हालत पर और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें इसका असर हमारी फसल पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे फसल की पैदावार जो कम होगी, जिससे कि महंगाई दर भी बढ़ सकती है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट जानने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या देश को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। चमकी बुखार से बिहार में हाहाकार है, 125 मासूमों की मौत के बाद जागी है सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चमकी के कहर से दम तोड़ते बच्चों की सुध लेने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा और अभी दर्जनों बच्चे मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती। जैसे जनता का जो गुस्सा है वो सरकार पर फूट पड़ा है और नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। जल्दी सुपरमार्केट से खरीद सकेंगे आप पेट्रोल और डीजल। जी हाँ दोस्तों, तथा आम आदमी के लिए तथा ईंधन को सुलभ बनाने के लिहाज से ही मोदी सरकार ने एक नया फैसला ले लिया, जिसके चलते सरकार सुपरमार्केट को पेट्रोल और डीजल बेचने की सलाह जो है वो दे रही है। तो हो सकता है कि जल्दी आपको सुपरमार्केट में कंपनियां जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल और डीजल भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप अन्य सामान खरीदते हैं जैसे कि आप चाय चीनी जरूरत के सामान यानी रसोई का सामान खरीदते हैं, वहीं पर आपको अब जो है पेट्रोल और डीजल भी खरीदने को मिल जाएगा, वो भी आपको अलग अलग पैकेट में, जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप सुपरमार्केट से जो है पेट्रोल भी खरीद पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। छोटे कारोबारियों को बिना गिरवी के मिलने वाले लोन की राशि दोगुनी करने की सिफारिश, RBI ले सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए अच्छी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बनाई गई कमेटी ने छोटे उद्यमियों को बिना गिरवी से मिलने वाले लोन की राशि को दोगुना करने की सिफारिश कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यदि पहले जितना लोन मिलता था उससे अब दोगुना लोन मिलेगा और वो भी आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखे, बिना आपकी प्रॉपर्टी जमीन गिरवी रखे हुए। RBI ने यह बड़ा फैसला लेते हुए सभी को पूरे भारत को एक बड़ा तोहफा दे दिया है और जल्दी आपको जब बिना गिरवी रखे सारा लोन जो है वो मिल जाएगा और ये बिल्कुल आसानी से आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको छोटे उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक के लोन को बिना किसी गिरवी रखने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन बैंकों की तरफ से इस फंड के तहत तथा लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत जो पहले आ रही थी अब उसमें तो कोई भी दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि सरकार इसे 2 करोड़ रुपए तक को लोन देने के लिए काफ़ी इसे आसान बनाने में जुटी हुई है। जल्दी RBI इसके लिए नया नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। महिंद्रा के वाहनों की कीमतों में इजाफा, 1 जुलाई से लागू होंगी नई कीमतें। जी हाँ दोस्तों, ऑटो निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बुधवार को अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमत में 36,000 रुपये तक बढ़ाने जा रही है और नई कीमतें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। कंपनी के मुताबिक उनके वाहनों की कीमत में इजाफा सरकार
एक जुलाई से लगाई जा रही तथा सेफ्टी नॉर्म तथा AIS 145 की वजह से किया जा रहा है और कंपनी इसमें जल्दी पैसा जो है वो बढ़ा रही है। एक जुलाई से हमें बढ़ी हुई कीमतें देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज पर फंसा है पेच। अमेरिका ने कहा कड़ी शर्त और कड़े नियम बनाए IMF। जी हाँ दोस्तों, नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तथा IMF से मिलने वाले कर्ज पर अब पेच फंसा हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए शर्तें तय करने की मांग की। अमेरिका ने स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आशंका जाहिर किया कि पाकिस्तान इस फंड को चीन कर्ज को चुकाने में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जो है इस पैसे का उपयोग चीन से लिए हुए कर्ज को चुकाने में कर सकता है, जबकि ऐसा जो है अमेरिका उसे नहीं करने देगा। इसीलिए इस पर जो कड़े नियम है वो बनाए जाएंगे और पाकिस्तान के लिए भी काफी बड़ी बुरी खबर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पैसा है वो अटकने वाला है। चलिए दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य समाचार। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।